ये क्या? मैंने कहा था ना यहाँ ताक देता दिन करना मना, फिर यहाँ क्यों आए? रुको रुको रुको, रुको। बेडरूम कहाँ पर है? बेडरूम ठीक है, बेडरूम उस तरफ है। अच्छा चलो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अरे बंदे हो गए क्या? दिखता नहीं क्या? सॉरी, ठीक बात कीजिए, पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें अंदर करवा दूंगा। बाहर चले, मेरे को बाहर घसीटता है तू? जानता नहीं मैं कौन हूँ? ये घर है, कोई चिंदी लॉज नहीं है। सर 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 सर, वेंकी एक बार हाँ कबड्डी खेलने पूना गया था। कबड्डी खेलने? पर ये तो बॉक्सर है ना? हाँ बॉक्सर है सर। वेंकी एक बार बॉक्सिंग के लिए पूना गया था, वहाँ उसने एक लड़की की जान बचाई और फिर उसी लड़की से इसे प्यार हो गया। अब उसी राक्षस से बचने के लिए आपके घर आया सर। ये कहानी कहीं सुनी हुई लग रही है। अभी अभी तो सुनी ना सर। हमें पता चला कि आप लव गुरु हैं, आप प्यार करने वालों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सर। लव गुरु सपोर्ट, ये कोई पिक्चर का नाम है क्या? अंजलि 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 टॉय। ये गाने का नया रिमिक्स है क्या? आपका प्यार तो मिनिस्टर के पास गया, इस बेचारे का तो प्यार मिले। ये कहानी कैसे पता चली? आप ही ने बताई थी सर, आपने कहा था कि अंजलि बेबी से आप बहुत प्यार करते थे। लगता है दारू के नशे में सब बग दिया। हाँ सर, अंजलि के लिए बनाया हुआ ये ताजमहल और इसकी दीवार पर लिखा हुआ उसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं सर, कैसे? तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे नहीं सर, हमारी प्रेम कहानी की मदद करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा तो फिर हम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। चलो चलो, रुको, ओके मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो। शायद उसे पता नहीं है मैं मदद करने वाला हूँ, इसलिए हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। चलो उसे बता दो। दरवाजा खोलो प्लीज। इसकी आवाज से लग रहा है कि ये घबराई हुई है। वो क्या ना सर, कि वो बाइक से गिर गई, उसके दिमाग पे चोट लगी और वो सटक गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो पागल हो गई है, नरसिम्हा को अपना भाई बोलती है, जयललिता को आपकी बीवी बोलेगी, पागल हो गई है सर। ना 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 ना, आई डोंट बिलीव दिस, मैं खुद चेक करूंगा। मिस सर मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। कौन हो तुम? नरसिम्हा की बहन हूँ। मतलब होम मिनिस्टर की? होम मिनिस्टर की होने वाली बहू। कन्फर्म? इसका दिमाग सटक गया, ये पागल हो गई है। आई एम सॉरी बेटा, कोई बात नहीं सर। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक बार फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। हेलो, नमस्ते सर, मैं होम मिनिस्टर का पीए राजेश बोल रहा हूँ सर। बोलिए। आपकी बहन घर पर ही है ना सर? तू क्यों पूछ रहा है? अजय बाबू ने पूछने के लिए कहा था। पूजा कर रही है? पूजा कंफर्म? हाँ कंफर्म, मेरी आंखों के सामने पूजा कर रही है, बिल्कुल। ओके ओके कंफर्म सर, कंफर्म हो गया। आई एम सॉरी वेंकी, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया, मैं प्यार करके पागल हुआ, तुमने पागल से प्यार किया, नसीब का खेल है, अपना ख्याल रखना। जी अच्छा, चलो भाई को बताते हैं। पूजा डार्लिंग से नहीं मिले हो ना? चलो मिलवाता हूँ। हाँ चलो, जरूर कोई सड़ेली हो। भाई बाबू आया है, अजय बाबू। उससे कहता ना मैं घर पे नहीं हूँ, पूजा से मिलने आया है। पूजा डार्लिंग। अरे अजय बाबू, अचानक कैसे आना हो गया आपका? जब भी पूछता हूँ तो आप कहते हो कि पूजा बाथरूम में है, नहा रही है, मंदिर गई है, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। पूजा घर पे नहीं है सर। क्या हुआ? ये लड़की कौन है सर? मेरी डार्लिंग, मेरी बहन। सॉलिड लोचा हो गया सर, इस वक्त ये लड़की कहाँ है? मंदिर गई है। कितने दिन पहले सर? कितने दिन का क्या मतलब? मतलब है वो कब गई? अभी गई है वो। अजय बाबू चलो चलो मंदिर। बाबू वो मंदिर से सीधा कॉलेज जाने वाली है, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? पूजा के आते ही आपके पास भेज दूंगा। अंकल अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पूजा आए तो उसे घर भेज देना, ठीक है ना? भेज दूंगा, चलिए चलिए। सचमुच मंदिर गई है ना? हाँ सचमुच मंदिर गई है। ये मुझे कभी पूजा से मिलने ही नहीं देगा। सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है ना। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलो। कहाँ? डार्लिंग के कॉलेज जाएंगे। मेरे घर के अलावा और कहीं भी ले चलो। डार्लिंग पूजा, पूजा डार्लिंग। अच्छा हुआ ये मेरी औलाद नहीं है, अगर ये मेरी औलाद होती ना तो बचपन में दूध में फिनाइल मिलाकर पिला दिया होता। कहा ना नहीं हो सकता। हाय पूजा। हाय मेरी बहन। हाय ये कौन है? ये तो मैं मेम साहब का ड्राइवर है। ये बहुत बड़ा तिकड़मबाज है। तुम इसे जानते हो? हाँ। कैसे? इसने मेरी भी गाड़ी चलाई है। ओ इसे बहुत एक्सपीरियंस है। गुड गुड। एक्सपीरियंस की छोड़ो, एक्सपर्ट भी है।
एग्जामिनेशन सेंटर बदलना है, लेकिन सर मना कर रहे हैं। कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है इसलिए। ओ, रूल्स के खिलाफ? तो जब प्रिंसिपल से वॉचमैन बना है तो वो भी रूल्स के खिलाफ होगा? नहीं नहीं नहीं, बदल दूंगा अजय बाबू। पूजा देखा मेरा पावर। थैंक्स। पर इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, तुमसे मिलने का दिल किया तो चला आया। चलो घर छोड़ देते। नहीं नहीं, अगर भैया ने देख लिया तो समझेंगे कि मैंने आपको ड्राइवर बना दिया। सही कहा, अंकल की नजरों में मेरी बहुत इज्जत है। ये ड्राइवर, मेम साहब को सही सलामत पहुंचा देना। सर बताइए ना मेरा ड्राइविंग कैसा है। हाँ, बहुत अच्छा चलाता है, सेफ चलाता है। चलते बाय डार्लिंग, बाय। ड्राइव सेफली, ड्राइव सेफली, ओके, सेफली। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वेंकी? कहाँ है वेंकी? कहाँ है वेंकी? कहाँ है वेंकी? बारा बे वेंकी? ए ए ए ए ए। अबे चुप, डांस करते वक्त चिल्ला क्यों रहे हो? अबे डिस्टर्ब होता है ना। तुझे डिस्टर्ब हो रहा है? अच्छा हाँ, जरा इधर आ तो। तू डांस करता है क्या? हाँ, लेकिन म्यूजिक के बगैर नहीं कर पाता हूँ। ओह अच्छा, म्यूजिक के बिना डांस नहीं करता है क्या? चलो ठीक है, मैं गाता हूँ तुम्हारा। क्यों नहीं, चल शुरू। आ यारे राजा, आ यारे राजा। म्यूजिक, ओ म्यूजिक, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, म्यूजिक चाहिए। अरे अरे, उसे क्यों मार रहे हो सर? वो तो नादान बच्चा है सर। अरे तू ले, तू ले, ले क्या 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 हो रहा है सर, इतना शोर क्यों? ए आते के बच्चे, तू इधर आ। हां नहीं, तुझे मारूंगा तो मुझे लगेगा। चल खुद को लफा मार। क्या? खुद को मार लफा। और मार, और मार, 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 गिर जा नीचे। चल यहां से, मार मार के चट्टी बना दूंगा। वेंकी कहां है? अबे ये क्यों? अबे आइए आइए वेंकटेश साहब, वो कुर्सी लाके यहां पे रखो। रखो बोला ना, रखो। तू बॉक्सर है क्या कमीने? बॉक्सर है? चल कुर्सी वापस रख। सर, होम मिनिस्टर से आपकी शिकायत कर दूंगा। बुला बुला उस साले होम मिनिस्टर को। आने दे, उसे मार मार के उसको लिटा दूंगा और अंजलि को पप्पी दूंगा उसके सामने। तू आदिवासी है क्या? कौन से जंगल से आए तू? लड़की के सर पे चोट लगी है, मुझे उल्लू बना रहा है। बुला उस लड़की को, बुला। रुकी रुकी, क्या बोली? तू हट रहा, तेरी सटक गई है क्या? जब से तुम मेरे घर पे आई है तब से मेरी सटक गई है, मेरी सटक गई है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इज्जत से सच बोलो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? सर, ये सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ए, मुंह खोलो तो सबके मुंह में चप्पल घुसेड़ दूंगा। भाई कोपचे पे पड़े रहना। दोनों प्यार करते हो ना? नजदीक आ जाओ। भैया वेंकी, इसे अपने बाहों में ले लो। बाहों में लो बोला। अब चुम्मी दो मुझे। नहीं बस सबके लिए, उसे दे, इसको दो, देता है कि चल तुम्हें दे। ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तुम दोनों प्यार करते हो, मुझे यकीन हो गया। मैं चला। सॉरी सॉरी। शादी के कार्ड का डिजाइन बहुत जबरदस्त है। अच्छा, नरसिमा को फोन किया? हाँ किया ना, बस आते ही होंगे। सुनिए जी, हमारे परिवार के सबसे प्रिय सदस्य राजेश को ही पहला कार्ड देते हैं ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपना घर का आदमी है, इसे कार्ड देने की जरूरत नहीं, वेस्ट हो जाएगा कार्ड। सही कहा। नमस्ते संजय जी। आओ नरसिमा, आओ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते, बैठो। शादी का कार्ड बनकर आया है, दिखाइए। देखो, कुल मिलाकर 10,000 कार्ड बनवाए, ठीक है ना? कार्ड तो ठीक है, लेकिन क्यों कार्ड्स कम पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, शादी के लिए सिर्फ 10 दिन का समय है और बहुत सारा काम बाकी है। कोई बात नहीं सर, आपको अंदाजा नहीं आप किससे रिश्ता जोड़ रहे हो, हमारे होम मिनिस्टर तो बिना दूल्हे के भी शादी करवा सकते हैं। माफ करना, मैं तो तारीफ कर रहा था, कुछ ज्यादा ही हो गई ना। इट्स ऑल राइट, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। भाई आपको टेंशन में देखकर अपनी भी फट रही है। चुप करके दे कहीं के, तेरी बातों से मेरा टेंशन और बढ़ जाएगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा, उसके दोस्तों को, उसके परिवार वालों को, सबको उठा के लाना, किसी को भी मत छोड़ना। अरे छोड़ क्यों मार रहे हो, हमने क्या किया? सिम्बा से पंगा लोगे तुम लोग? बताओ पूजा कहाँ है? टांगे तोड़ूंगा नहीं तो। अरे रुकिए रुकिए जरा, मुझे पता है वो कहाँ है।
All the best. Thank you. All ticket? Thank you. एग्जाम के बाद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे देख के डर गया क्या तू? तू अब तक मुझे बहुत परेशान कर चुका है। तुझे मारने का प्लान भी बनाया था मैंने, बाद में पता चला कि गलती मेरी है। हालांकि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, गलत फहमियों की वजह से मैं तुम दोनों पर शक करता रहा। अनजाने में बिना मतलब के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। देखिए, सब कुछ गलत फहमियों की वजह से हुआ है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। किसी की कुंवारी बहन किसी के साथ घूमेगी तो दुनिया का हर भाई आप जैसा ही बर्ताव करेगा। ये सब भूल जा वेंकी, इन्होंने आकर हमसे माफी मांगी, और तो और चिट्टी की शादी भी उसी लड़के से पक्की करवाई है। कम से कम अब तो इनकी बहन को इनके पास जाने दे। सॉरी वेंकी, हमें अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों की फिक्र हो रही थी इसलिए सब सच बताना पड़ा। पूजा, मुझसे गलती हो गई। तूने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की कि तू मासूम है, फिर भी मैं नहीं समझा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसमें हमारी भी गलती है बेटा, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया, हमें माफ कर दो। नरसिम्हा जी, अब आप अपनी बहन को ले जा सकते हैं, हमारा वेंकी अब आपको तंग नहीं करेगा। चलो वेंकी।